दोस्तों यहाँ भेड़िया के बाद देखने को मिलने वाली है भेड़िया 2 भी, जो दोस्तों यहाँ अच्छी खासी लंबी प्लानिंग की गई है और इसमें वृंदावन जी की केवल फिल्म भेड़िया पर ही नहीं रुकेंगे और यहाँ आगे हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। एमन, मैं ऐसे नहीं आया कि मुझे सब पता है मैंने फिल्में की है। आई वांटेड टू, आई केप्ट पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, सो होपफुली दिस कैरेक्टर ऑफ भास्कर विल कम अक्रॉस ऑनेस्ट एंड समवन दैट ऑल कैन रूट फॉर एंड लव एंड लाइक इफ द ऑडियंस सपोर्ट्स भेड़िया देन यू नो देन वी हैव अ फ्यूचर टू क्रिएट समथिंग मोर आई सो। तो यहाँ हाल ही में बातों ही बातों में यहाँ पर वृंदावन जो की ये खुलासा कर गए कि यह फिल्म भेड़िया को यदि सभी का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और सभी इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके पास काफी कुछ ज्यादा है और वो आगे काफी शानदार चीजें जो कि लेकर आने वाले इस फिल्म से जुड़ी हुई। इसमें यह फिल्म भेड़िया के ट्रेलर को देखने के बाद से इसको लेकर सभी का एक्साइटमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है और जैसे कि सभी को उम्मीद है कि यह फिल्म भेड़िया तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगी, तो इसमें इस कारण से यहाँ पर इस फिल्म को लेकर सभी आगे कुछ न कुछ देखना चाहती है। और क्योंकि अभी वृंदावन भी कहते हुए दिख रहे हैं कि आगे हमें फिल्म भेड़िया से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि काफ़ी तगड़ी प्लानिंग की हुई है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह बात भी पक्की हो जाती है कि फिल्म भेड़िया में हमें सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा और इस फिल्म में काफ़ी कुछ अधूरा छोड़ा जाएगा जो कि हमें देखने को मिलेगा फिल्म के सीक्वल में इनकी भेड़िया 2 में। लेकिन अब फिलहाल तो वेट किया जा सकता है फिल्म भेड़िया का। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।